वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए 20 सितंबर 2019 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं और जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। और उनके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने का मैंने प्रयास किया है और आई होप दे विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनमें जो पहला आपका प्रश्न है वो है आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, दूसरा शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव या उर्जित पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और वो 25वें गवर्नर हैं। अगर हम पहले गवर्नर की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो जो पहले गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि आज़ादी के समय जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आपका प्रश्न नंबर दो है, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद कौन है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टीना लगार्ड, तुलसी गबार्ड, कमला हैरिस, मारिया कैंटवेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तुलसी गबार्ड। तो अमेरिका की पहली हिंदू सांसद हैं तुलसी गबार्ड और आने वाला जो इलेक्शन है अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन 2020 में, तो उसके चुनाव में भी वो अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। सांसद बनने के बाद वो ऐसी पहली सांसद थी जिन्होंने भगवत गीता के नाम पर शपथ ली थी। तुलसी गबार्ड 2013 से अमेरिका के हवाई राज्य से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट सांसद हैं। अब आपका प्रश्न नंबर तीन है, अभी हाल में जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है उसको कितना कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन 30%, थर्ड ऑप्शन है आपका 22% और लास्ट ऑप्शन है आपका 25%। तो कॉरपोरेट टैक्स रेट को वर्तमान में घटा करके कर दिया गया है 22%। पहले जो कॉरपोरेट टैक्स रेट था वो आपका 30% था, जबकि सरचार्ज को मिलाकर के वो 34.94% था और अब वर्तमान में सरचार्ज अगर हम लगाते हैं तो ये 22% से 25.17% हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर चार है, विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बॉक्सर कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार, एमसी मैरीकॉम, अमित पंघल या फिर सुनील यादव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अमित पंघल। तो अमित पंघल विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन जो हुआ था वो आपका रूस के एकातेरिन बर्ग में हुआ और अमित पंघल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में साकेन बिबोसिनोव को 3-2 से हराया है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि अभी हाल में जो आपका कोल सेक्टर है वहाँ पर कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है। तो पहला ऑप्शन है 51%, 41%, 26% या फिर 100%। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 100%, यानी कि कोल सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ में दो सेक्टर आपको और बताना चाहूँगा, डिजिटल मीडिया में 26% FDI की अनुमति है और प्रिंट मीडिया में भी 26% FDI की अनुमति दी जा चुकी है। आपका प्रश्न नंबर छः है, ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी किसे कहा जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है बर्मिंघम, दूसरा ऑप्शन है टेक्सास, तीसरा ऑप्शन है ह्यूस्टन और लास्ट ऑप्शन है आपका वॉशिंगटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ह्यूस्टन। ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी ह्यूस्टन को कहा जाता है और ह्यूस्टन कहाँ है, टेक्सास प्रांत में, किसके, अमेरिका के। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर भी है और जो नासा है उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और आने वाली जो 22 सितंबर है वहाँ पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, इसमें है कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र पुरस्कार किसको दिया गया है। पहला ऑप्शन है नंदलाल भारती, प्रीतम भरतवाण, सुरेंद्र नेगी या फिर नरेंद्र सिंह नेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका नंदलाल भारती।
तो उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र सम्मान नंदलाल भारती को दिया गया है। और इनको किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने देश विदेश में जो इनका जनजाति क्षेत्र है जोनसार बावर की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। और यहाँ पर दो पॉइंट में आपको और बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के जो जागर सम्राट हैं वो पद्मश्री प्रीतम भरतवाण हैं और जो सुर सम्राट है वो नरेंद्र सिंह नेगी हैं। आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और लास्ट ऑप्शन आपका है कंबोडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है और इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया था। तो अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।